वेलकम बैक टू हरियाणा व्लॉगर रीना। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। और अच्छे होने चाहिए, अपने घर में रहो, सेफ रहो और अच्छे से रहो। तो बताओ आप सब क्या कर रहे हो? मैंने ना सारा काम खत्म कर लिया और अब ना बारिश हो रही है आज बहुत ज्यादा। मैं आपको बारिश भी दिखाऊंगी। और वैसे बारिश से पहले मैंने सारा काम अपना खत्म कर लिया था। आज सुबह में ही ना, जब तक मैंने पूजा पूजा की नाश्ता किया, उस टाइम लाइट चली गई। थोड़ी देर के लिए वेट किया, फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, आज तो कपड़े वपड़े, मतलब फिर मैंने सोचा कि आज मुश्किल है कपड़े वगैरह धुलना, वो कल धुल देखेंगे। आज अपना पहले और सारा काम कर लेते हैं। फिर जब तक मैंने इधर रसोई साफ की, बर्तन वगैरह, कमरे साफ किए, फिर लाइट आ गई। उसके बाद अब मैं कपड़े वगैरह धुल के उनको डाल के ऊपर आ गई। और वैसे आज बारिश थी, देखो वो वैसे ही रखने दो। हम जो ऊपर का कमरा है ना हमारा, वो काफी बड़ा है, उसमें रस्सी बांध के उसमें डाल देते हैं कपड़े और ऊपर से पंखे चला देती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपनी वीडियो शुरू करती हूँ। और बारिश के मौसम में थोड़ा सा चटपटा सा तो खाना अच्छा लगता है ना, इस वजह से आज मैं एक तो छोटी सी अच्छी सी सिंपल सी डिश तैयार करूंगी और आप सबके साथ भी शेयर करूंगी। और कितनी आसान है और इतनी ज्यादा टेस्टी है, वो आप सबको भी दिखाऊंगी मैं। और आज मैंने अपने बाल भी धुले थे। और मैंने उस दिन मेहंदी लगाई थी, आज मैंने एक नई चीज ट्राई की, वो मैं आपको भी बताऊंगी। आपको बताती हूँ कि आज मैंने क्या लगाया। और आप शाइनिंग देखो बालों में कितनी है ना, मेरे बाल ना सब, आपको पता ही है कि मेरे बाल सफेद है थोड़े थोड़े। और वैसे भी आजकल हर किसी के बाल सफेद है, थो किसी के कम है, किसी किसी के ज्यादा है। और मेरे ना यहाँ यहाँ थोड़े कुछ कुछ बाल सफेद है इस वजह से। और आज मैंने ना इनपे, आज मैंने मेहंदी नहीं लगाई। मेरा मेहंदी लगाने का था कि नहीं मैं मेहंदी नहीं लगाती, मैं कोई ऐसी चीज लगाती हूँ जो मुझे थोड़ी से टाइम में ही साथ के साथ रिजल्ट दिखा दे। और उसने दिखा भी दिया। आज मैंने पता है क्या लगाया, देखो मैं पहले आपको बाल दिखा देती हूँ। देखो है नहीं ना बाल कोई भी सफेद, और शाइनिंग देखो बालों में आप, और कलर कितना अच्छा है ना। और बालों में आप देखो, आप कोई बाल आपको सफेद नहीं दिख रहा, और शाइनिंग देखो कितनी है। तो मैं बताती हूँ आपको आज मैंने अपने बालों में क्या चीज ट्राई की। मैंने बालों में, ये एक नेचुरल सा कलर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कोई बाहर की चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें नुकसान दे जाएगी, कुछ हो जाएगा। वो सफेद बाल थोड़ी देर बाद ही कलर कर देंगे वो, मतलब आपको आधा पौना घंटा ही रखना है इसको लगा के। और आप इसको साथ के साथ ही तैयार करके लगा सकते हो, क्योंकि मेहंदी तो हमें रात में ही भिगो के रखनी पड़ती है, फिर हम सुबह में लगाएंगे 4-5 घंटे, कम से कम 3 घंटे के लिए देखो हमने उसको लगा के रखना ही पड़ेगा, और तब हम अपने बाल धुलेंगे इस वजह से। तो आज मैंने एक नई चीज बनाई थी और वो अपने बाल पे लगाई, उसका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आया, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप किसी को भी लगानी हो तो आप उसको लगा सकते हो, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं है। उसके लिए मैंने 2 कॉफी के पाउच, आप अपने बालों के हिसाब से लगा सकते हो, आपके बाल आपके मतलब कितने बाल सफेद है, कितने आपने कितना लगाना है। उसके मैंने अपने बालों के लिए 2 कॉफी के पाउच और थोड़ा सा चाय की पत्ती का पानी और एक कंडीशनर, वे पाउच वाले कंडीशनर आते हैं ना वो, उनको मिक्स करना है और ऐसे मतलब ब्रश के साथ आपको लगा लेना है। और जब आप लगाओगे ना, आपको सफेद सफेद सा वो दिखेंगे बाल, ऐसी कोई वो नहीं है, वो बाद में अपना कलर छोड़ देते हैं। तो मैंने यही लगाए, मैंने 2 कॉफी के पाउच, थोड़ा 2-3 चम्मच चाय की पत्ती का पानी, चाय की पत्ती को उबाल के ठंडा करके जो उसका पानी होता है, 2-3 चम्मच वो, और एक कंडीशनर का पाउच, ये 3 चीज मिक्स करके आप ब्रश के साथ अपने बालों पे लगा सकते हैं, जहां भी आपके सफेद बाल दिख रहे हैं आपको यहाँ, और थोड़ी देर में ही वो आपको रिजल्ट दे देंगे। और लगा के देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आधे घंटे में बिल्कुल अच्छे अच्छा काम करता है। और कोई ऐसी बाहर की चीज नहीं है, कलर नहीं है, वो हमें कोई नुकसान दे जाएगा, कुछ ऐसी चीज नहीं है। तो आप भी उसको एक बार ट्राई कर सकते हो। और अब हम चलते हैं किचन में और एक अच्छी चीज बनाते हैं, चलो। वैसे आज मैंने आपको कुछ और, मतलब कोई वो ही बात है, हर रोज यही कपड़े धुल रही हूँ, ये गद्दे घर में ये काम है सारे, तो मैं यही दिखाऊंगी। इसलिए आज कुछ तो बारिश की वजह से हमने जल्दी जल्दी काम कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि मुझे जो मैं खाना बनाऊंगी, तो जब ही मैं वीडियो अपनी शुरू कर लूंगी, मैं उससे पहले आज वीडियो शुरू नहीं करती। तो चलो अब हम रसोई में चलते हैं और खाना बनाने की तैयारी करते हैं, और तिक्का तिक्का खाना। और हम बालों पे आप एक बार अपने जरूर ट्राई करना बाल, देखो वैसे मेरे बाल तो पहले ही सिल्की है बहुत ज्यादा, लेकिन आप अपने बालों पे एक बार लगा के उसको देखना, उसको कमेंट करके आप मुझे उसका रिजल्ट जरूर बताना आपको कैसा लगा, और ट्राई जरूर करना एक बार। और बारिश देखो कितनी हो रही है,
गर्मी में वैसे बारिश होने के बाद थोड़े से ठंडा मौसम तो हो ही जाता है ना, अच्छा लगता है। मैं आपको दिखा रही हूँ अंदर बाहर सारी जगह, हमारा घर खुला है ना, इस वजह से उसमें और ज़्यादा मतलब अंदर ताजी ताज़ा सा हो जाता है, ठंडा ठंडा सा। और अब मैं रसोई में आ गई, मैंने यहाँ पे गर्म पानी रख दिया होने के लिए, और जब तक मैंने साइड में आलू भी उबाल ली थे, वो गर्म पानी, तेज गर्म पानी करना है हमने, हमने उसमें फिर सूजी को मिक्स करना है। देखो सूजी को अच्छी तरह इसमें मिक्स करके हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए, जब तक मतलब ये सूजी ठंडी होएगी, क्योंकि ये तेज गर्म पानी था ना इस वजह से। और जब तक ये ठंडी होएगी, मैं इधर साइड में आलू भी छील के रख लूँगी, क्योंकि वो भी गर्म है ना, उनको वे भी फिर ठंडे होने में उनको भी टाइम लगता ही है। और ये चीज़ें आपको ठंडी करनी है, आपने गर्म, जैसे आलू भी गर्म है और वो सूजी भी हमने उनको एक जगह गर्म पानी में मिक्स करके रखा, वो भी गर्म है, इसलिए इनको आपको ठंडा करने के बाद ही मिक्स करना है। और जब तक वो ठंडे होंगे तब तक मैं अपने और दूसरे काम कर लूँगी, जैसे कि मैंने हरी मिर्च का, मैं अभी हरी मिर्च काट रही हूँ, धनिया मैंने पहले ही काट के रखा हुआ है, उसके बाद जो और कुछ छोटे मोटे काम है वो भी कर लूँगी। और धनिया को ना काट के फिर थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देती हूँ ना, तो वो ताज़ा सा बन जाता है। और अब ये ठंडा होने के बाद फिर मैं दोबारा फिर रसोई में आ गई थी, मैंने इसको परात में डाल लिया उस सूजी को, और सूजी डालने के बाद मैंने फिर आलू को डाल लिया। और आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, क्योंकि आप थोड़े बनाना है, आपने ज़्यादा बनाना है, मैं मेरा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये दोपहर का खाना है इस वजह से। और उसके बाद मैं इसमें सारे सूखे मसाले डाल रही हूँ, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और जीरा, और गरम मसाला, और हरा धनिया, और थोड़ा सा अमचूर पाउडर। और आप इसमें मतलब अपने हिसाब से सारे मसाले आप डाल सकते हो, मैंने सारे मसाले डाल के, और थोड़ा सा मैंने इसमें साबुत जीरा भी डाला, और जो हरा धनिया रखा था वो भी डाला, हरी मिर्च नहीं मैं डालूँगी। और अब थोड़ा सा आटा डाल लिया, क्योंकि मैंने आटा मिक्स करके अच्छे से माटू के लिए निकालना है, उसके बाद मैं हरी मिर्च डालूंगी, मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च डाल ली थी बस। अब इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, और हाँ मैं आपको बोल रही थी ना कि थोड़ी सी ज़्यादा, और ये देखो माटू का आटा बना के अलग से रखा हुआ है, हमारा मिर्च वाला अलग है, और मैंने ज़्यादा इसलिए बनाया था क्योंकि ये दोपहर का खाना है, सुबह में फिर भी थोड़ा खाते हैं, दोपहर में ज़्यादा सी खाना ही खाना चाहिए वैसे भी। और ये देखो कितनी अच्छी और इन अच्छी बन रही है ना, और इनका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ये वैसे लग रही है वही कि हमने जो हम आटा और आलू मिक्स करके बनाते हैं वो वाली पूरियाँ, लेकिन सूजी पड़ के इसका टेस्ट बिल्कुल अलग हुआ, बिल्कुल ही अलग आया। आप एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखना, और वही आप अपनी फैमिली के हिसाब से इसको गूंथ सकते हो आटे को, अपने आपकी बड़ी फैमिली है, आपकी छोटी फैमिली है, मैं तो इसलिए इनको बना रही हूँ, और बना के वही साइड में पिंकी सबको दे रही है। और मैंने हलवा भी बनाया था थोड़ा सा, वो नहीं मैंने आपको दिखाया, मैं फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस वजह से। और चकले पे और बेलन पे हमने घी तेल जो भी आप लगा रहे हो उसके साथ बेलना है इसको, क्योंकि अगर हम आटे के साथ बेल लेंगे तो तेल में ना वो आटा आटा सा हो जाता है। फिर आप जहाँ तक आप हो तो आप मतलब आप चिकना करके इसको बेलना है, अपने बेलन को, अपने आटा नहीं लगाना। और मैंने अभी चावल दिखाए ना, ये नमकीन चावल थे, इनको भी मैं चीज़ को देखो वेस्ट नहीं करते, मैं इनको भी इसमें थोड़ा पानी डाल के ना मिक्स कर लूँगी अच्छे से थोड़ी सी देर चॉपर में, क्योंकि जो सब्जियाँ हैं वो हमारी बिल्कुल मिक्स होनी चाहिए, मैं इनको अच्छे से पीस लूँगी। और देखो मिक्स हो जाएगी ये सारी, और मैं ये आपको इसीलिए दिखाती हूँ कि किसी को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए इससे, कि जैसे हमने भी अगर मुझे ये ना बनानी होती तो मैं गाय के सामने इनको डालती, इनको गाय नहीं खाना था, फिर मैंने सोचा कि मैं इसकी थोड़ी सी अलग सी चीज़ बना लेती हूँ। और फिर मैंने पीसने के बाद इसमें 2 चम्मच मैंने चावल में मैंने 2 चम्मच से बेसन डाला, थोड़े से मसाले डाले, क्योंकि पहले उसमें सब कुछ था चावल के अंदर, इस वजह से वो तो बेसन डाला ना उसके टेस्ट के हिसाब से मैंने डाल लिया थोड़े से मसाले। और मसाले डालने के बाद अब मैं इसमें सारे देखो जैसे छोटी छोटी मट्ठियाँ होती हैं ना वैसी तैयार कर रही हूँ। आप सेब इसकी जो मर्जी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। और देखो थाली कितनी सुंदर सी है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थाली थी ये, हलवा और दही और पूरियाँ, और इधर मैं इनको भी फ्राई कर रही हूँ साथ में, और सब बोल रहे थे बहुत अच्छे बने, और थोड़े से कुरकुरे से, और इसको ना स्लो गैस करके आपको इनको
अच्छे से फ्राई करना है, तब ये ज़्यादा कुरकुरे लगेंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने थे, बहुत ही ज़्यादा। अभी हमने तो दही के साथ खाए, बच्चों ने तो फिर भी सॉस के साथ खाए, बच्चे बोल रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे। और देखो मैंने बना के सारी तैयार कर ली है टिक्कियाँ सी, आप इनकी चाट भी बना के खा सकते हो, बल्कि बाद में फिर मैंने एक कटोरी में छोटी सी चाट भी बना ली। देखो है ना सुंदर प्लेट, बड़े टेस्टी लगे थे। और खाना पीना खाने के बाद फिर अब मैं ऊपर आ गई, मैं ऊपर कपड़े फैलाने आई थी और मैं थोड़ी सी वीडियो बना रही थी, और साइड में आर्यन और उसके चाचा देखो पतंग उड़ा रहे हैं ना, उनको पता नहीं मैं वीडियो बना रही थी। और बारिश के बाद धूप आ जाती है ना, बहुत अच्छा लगता है फिर। और देखो पतंग दिखा रही थी मैं आपको, दिख रही होगी कितनी ऊपर पतंग है ना। हेलो, जब तक हमने खाना खाया तब तक धूप भी आ गई थी निकल के, फिर अब मैं खाना पीना खाने के बाद ना ऊपर धूप में कपड़े डाल के आई हूँ, और ऊपर आर्यन और उसके चाचा पतंग उड़ा रहे हैं दोनों। मैंने थोड़ी सी क्लिप उनकी भी निकाल ली, क्योंकि आर्यन ना फिर अभी वीडियो में वो आना नहीं चाहता, वो कहता मुझे नहीं अच्छा लगता। मम्मी आप खुद से करो, आपने जो करना आप अपना करो, मैं नहीं आऊँगा वीडियो में। अभी ऊपर आज बहुत ही ज़्यादा अच्छी हवा चल रही है, क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा सा गर्म सा मौसम तो फिर भी दोबारा हो ही जाता है। मैंने सोचा कि मैं कपड़े सुखा देती हूँ, और कपड़े सुखाने के बाद फिर मैं नीचे आके और अपनी वीडियो का एंड कर रही हूँ। तो आप सब बताओ आपने क्या बना के खाया बारिश में। वैसे बारिश के मौसम में ये चटपटा खाने का हमारा मन करते ही है ना, इस वजह से। तो आप सब बताओ आपने क्या बना के खाया बारिश के मौसम में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना। मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।